आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मुझे तो वो घटना याद आती उन दिनों की, जब मैं अपने दोस्त के साथ में नौकरी ढूंढने के लिए इधर उधर भटका करता था। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ में एक इंटरव्यू में चला गया साहब। इंटरव्यू में उसका नंबर पहले आया, मेरा नंबर बाद में था। जैसे ही वो इंटरव्यू दे के निकला, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा यार अंदर क्या क्या पूछते हैं बता तो सही। वो बोला अंदर खाली 3 सवाल करते हैं, सबसे पहला सवाल तो ये करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन, तू बोल देना सरदार मनमोहन सिंह। और दूसरा सवाल ये करते हैं कि हमारे देश को आजादी कब मिली, तू बता देना 1857 से प्रयास चल रहा था, 1947 में सफलता मिली। और तीसरा सवाल ये करते हैं कि चांद पे जीवन है क्या, तू बोल देना वैज्ञानिकों का तो यही मत है लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर सका। अब जल्दी जल्दी में मैंने उत्तर सारे के सारे रट लिए, क्वेश्चन सारे के सारे भूल गया। जैसे ही अंदर गया, जाते ही उसने पूछा, बोले तुम्हारा नाम? मैंने कहा सरदार मनमोहन सिंह। उसको गुस्सा आ गया, बोले दाढ़ी न मूंछ और सरदार मनमोहन सिंह कब पैदा हुआ था? मैंने कहा 1857 से प्रयास चल रहा था सर, 1947 में सफलता मिली। उसको गुस्सा आ गया, बोले पागल है क्या? मैंने कहा वैज्ञानिकों का तो यही मत है लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर सका। मित्रों, निश्चित रूप से आपकी हंसी को बधाई देता हूं कि ऐसे दौर में भी, आज सुबह मुझे वो घटना आ जाती कि बाजार में मैं चला गया और एक कांदे वाले से मैंने कांदे का भाव पूछ लिया। कांदे वाला बोले बेटा कांदे का भाव मत पूछ, कलेजा हिल जाएगा। ये इस देश के भ्रष्ट नेताओं का चरित्र नहीं है कि 2 रुपए किलो में मिल जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में भी जीने के बाद में अगर हमारे होठों से कहीं से हंसी निकल के आ जाती है तो निश्चित रूप से यह हमारी जिंदा दिली है। मित्रों, हमारे होठों पर हंसी यूं ही खिलखिलाती रहे, यूं ही मुस्कुराती रहे, इसी का तो नाम है देशभक्ति। आइए देशभक्ति के इस प्यारे से कार्यक्रम की शुरुआत करें एक प्यारे से गीत के साथ। नमस्कार, सभी को प्रणाम। एक छोटी सी स्तुति चाहूंगा आप सभी लोग ताली बजा के साथ दें। साथ में ही बजाइएगा, अभी भी बजा लीजिए। थैंक यू।
दिशाएं, ये सांसों की हलचल कहती है पल पल, ये चलती अनादि अनंता महाकाल काले दिगंबर निराले, दिग दिग भ्रमता अनादि अनंता, तू ही सृष्टि रूपम मनो प्रेम रूपम नमो जल स्वरूपम नमो वृक्ष रूपम नमो नमो अफजल, तू ही सबसे आला, तेरे ही दम से जहां में उजाला, तू ही सबसे अफजल, तू ही सबसे आला, तेरे ही दम से जहां में उजाला, जमीनों पलक चांद सूरज सितारे हर एक चेहरे में जन्मे गुबारे, भाई ने गाना गाया, इतना बढ़िया गाया, इतनी मेहनत करी, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? तो तालियां क्यों नहीं बजी यार? देखो, ताली बजाने से भी ना बहुत सारे फायदे हैं। कोई भी बड़े से बड़ा ज्ञानी संत आपको यह बात नहीं बताने वाला, जितने ज्ञान की बात मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूं। हाँ, बहुत सारी ज्ञान की बात मुझे मालूम है। वो तो मुझे इतने ज्ञान की बात भी मालूम है कि मेरे मोहल्ले में एक लड़का पैदा हुआ, पैदा होते ही मोबाइल मांगने लगा। बाप को टेंशन हो गया, बोले अभी अभी पैदा हुआ नालायक मोबाइल का क्या करेगा? बोले ऊपर वाले को फोन करके बताना है कि तूने जहां भेजा था वहां पहुंच गया। और अपन तो जब सोते भी है ना तो 4-5 तकिया सर के नीचे में रख के सोते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को सिखाया था कि बेटा काम ऐसा करना कि सर ऊंचा रहे। मेरी जब आंख की प्रॉब्लम हुई तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि बापू 1,000 रुपया दे दे, मेरे दूर की नजर खराब हो गई है, चश्मा बनवाना है। 1,000 रुपए का नाम सुन के मेरे बापू का कलेजा बैठ गया।
वो मुझे पकड़ के छत के ऊपर लेके गया, बोले सामने देख क्या दिख रहा है, मैंने कहा चांद है, बोले और कितनी दूर देखेगा। अजीब अजीब परिस्थिति होती है। वो तो एक बार मैं हवाई जहाज में सफर कर रहा था और मेरे साथ में एक चाइनीज, थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक मच्छर कहीं से भनभनाता हुआ आया, उसने चाइनीज को काटा, चाइनीज ने फट से मच्छर को मारा, पकड़ के खा गया। थोड़ी देर बाद में मच्छर भनभनाता हुआ मेरे पास आया, मैंने भी मच्छर को देखा, मैंने कहा हे मच्छर महाराज, मैं तेरे को खा तो नहीं सकता लेकिन छोड़ूंगा नहीं। मैंने दिमाग से काम लिया साहब, मैंने उस मच्छर को पकड़ा और चाइनीज के पास में लेके गया और उससे कहा कि खरीदेगा क्या। तो अपना तो काम ऐसे ही है। एक बार की घटना मुझे याद आती, जब एक पोल्ट्री फार्म में मैं मैनेजर हुआ करता था। पहले पहले दिन नौकरी का दूसरा तीसरा दिन था, जांच के लिए एक अधिकारी आ गए, आते ही मेरे से पूछने लगे, बोले क्यों मुर्गी लोगों को क्या खिलाता है। मैंने कहा क्या खिलाऊंगा सर, काजू किशमिश बादाम छुआरा सब खिलाता हूं। बोला इसीलिए तो खर्चा बढ़ रहा है, 15,000 रुपए जुर्माना जमा कर। 15 दिन के बाद में जांच के लिए फिर एक साहब आ गया, बोले क्यों मुर्गी लोगों को क्या खिलाता है। मैंने कहा क्या खिलाऊंगा साहब, इधर उधर पड़ा हुआ कचरा ये वो कुछ भी खा लेती हो तो कुछ खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बोले इसीलिए तो बीमार पड़ रही है, 15,000 रुपए जुर्माना जमा कर। उसने भी 15,000। मेरा दिमाग खराब हो गया था। 15 दिन के बाद में फिर एक अधिकारी जांच के लिए आ गया, उसने भी यही सवाल किया, बोले क्यों मुर्गी लोगों को क्या खिलाता है। मैंने कहा कुछ भी नहीं खिलाता हूँ, सवेरे सवेरे एक एक रुपया दे देता हूँ, अमरावती में जाके हरी सत्संग समिति में खाना खा के आ जाते। ऐसी ऐसी घटनाएं होते रहती है। और बहरहाल आइए, देशभक्ति का ये पावन कार्यक्रम, और मैं चाहता हूँ कि बाबा को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सुने, बाबा की अगुवानी के लिए थोड़ा सा वातावरण बनाएं, थोड़ा सा मन दें देशभक्ति के एक प्यारे से गीत के साथ। जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें और जयकारा लगाएंगे जोर से, बोले भारत माता की वंदे वंदे। बहुत जोश है आप सबके खून में और वो जोश हमेशा रहना चाहिए और फिलहाल अभी यहां तो रहना ही चाहिए। सभी लोग बराबर तालियां बजाते ही रहेंगे अभी नहीं हमारे साथ में, और साथ में गाएंगे भी क्योंकि ये गीत सबको लगभग याद ही होगा और सरल भी है। पहले इससे पहले आप सबके लिए दो लाइन। वो जवानी जो खू को जलाती नहीं, वो जवानी जो खू को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं।